5 minutes later. जा रहा है रे देख लो भाई घुसते ही देखो स्पॉटेड डियर हेलो आपको जंगल के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो कॉर्बेट में मिक्स फॉरेस्ट पाया जाता है, लेकिन आप अपने लेफ्ट राइट पर जो ये बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, ये साल के पेड़ हैं। इसका बोटानिकल नेम है सूर्या रोबस्टा और इसकी उम्र लगभग 300 साल तक मानी जाती है। तो जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं इस पे आपको 80% साल फॉरेस्ट ही मिलेगा। दूसरा, आप ये देख रहे हैं, जानते हैं क्या चीज है ये? इसका वर्क पता है आपको जंगल के अंदर क्या है? मैं बताता हूँ, देखिए ये टर्माइट हिल है। टर्माइट जितना आपको ये जमीन से ऊपर दिखाई दे रहा है, इतना ही लगभग ये जमीन के नीचे भी है। इसका काम जंगल के अंदर डीकम्पोज करने का रहता है। ये ड्राई वुड को डीकम्पोज करता है। मान लीजिए कोई पेड़ खराब हो गया, ड्राई हो गया, तो ये टर्माइट उस पर लग जाती है और लैंड के नीचे जो जड़ें फैली होती है उसको खाके रिसाइकिल कर देती है पूरी तरह से, ताकि इसके बगल में जब भी कोई दूसरा बीज गिरेगा तो नया पेड़ आसानी से उग जाएगा। यानी जंगल के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये टर्माइट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पूरे जंगल के इकोसिस्टम को बैलेंस करता है।
ठीक है सर। और इसके जो फोल्ड बने हुए हैं गर्मी के समय वो एक दूसरे को कवर भी कर लेते हैं, तो इसका टेम्परेचर अंदर से मेंटेन रहता है, तो कई बार इसमें स्नेक वगैरह भी चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा इस जोन के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ से लगभग 31 किलोमीटर हम ढिकाला तक जाएंगे। रास्ते पर जो भी एनिमल्स दिखेगा गाड़ी रोक लेंगे, जिससे आप उसकी फोटो वगैरह ले सके। यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, जैकल्स, एलिफेंट्स, डियर। ये ऐसे एनिमल हैं कि हम कई बार सफारी करते हैं तो इनमें से कुछ एनिमल दिख जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल फॉरेस्ट है, इसलिए किसी भी एनिमल का दिखना ना दिखना लक और चांस पे ही डिपेंड करता है। श्योरिटी किसी भी एनिमल की नहीं है। अगर कभी आपको डीपली जंगल घूमना हो तो इसके लिए आप पार्क के अंदर स्टे भी ले सकते हैं। यहाँ पे रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, आप वहाँ पे रुक सकते हैं 2-3 नाइट। तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट आपके पास ये रहता है, एक तो आप जो जंगल के अंदर की पतली सकरी सड़कें हैं उनमें आप जा पाते हैं, दूसरा जो है मान लीजिए कहीं पे अगर मूवमेंट है, जैसे मूवमेंट का पता कैसे चलता है कि कहीं पे अगर जो है कॉलिंग हो रही है, डियर, मंकी, कुछ एक बर्ड्स बोल रही हैं, तो उससे ये उससे आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट है। तो अगर कहीं पे कॉलिंग हो रही है तो वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे जो है वेट भी करना पड़ता है, और अगर एनिमल का मूवमेंट बाहर की तरफ है तो वो आपको दिख जाएगा। यानी आपका पेशेंस एनिमल के पेशेंस से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप नेचर में वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं। लेकिन इस कैंटर राइड में हमारे पास लिमिटेड समय है, इसमें हमने आपको पूरा जोन घुमाना भी है, और लेफ्ट राइट पे जो एनिमल्स दिखेंगे या जिनके साथ हमारा टाइमिंग मैच होगा वही एनिमल्स हम आपको दिखा पाएंगे। ठीक है, आपने 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कोई भी पन्नी, रैपर्स वगैरह, बॉटल वॉटल कुछ भी बाहर नहीं फेंकना है। दूसरा, कहीं पे कोई एनिमल दिखता है तो शोर नहीं करना है, और किसी भी कंडीशन में गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जितना हमारे पास समय है उतने समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा एनिमल दिखा पाए। कालागढ़ में इसमें एक डैम बना हुआ है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। उसके आगे फिर ये जाती है मुरादाबाद, और फिर मुरादाबाद से आगे फरुखाबाद में जाकर के ये गंगा से मिल जाती है।
एक दो, उसके बाद फिर तेरी एक दो। मिनट्स टाइगर इसको, लेकिन ये कई केसेस में टाइगर को सीरियस घायल कर देता है।